बच्चों हम इस अध्याय में किसी फंक्शन के किसी फलन के, के किसी बिंदु पर उसके डोमेन के किसी बिंदु पर अवकलनीयता का अध्ययन कर रहे हैं और आपको मैंने बता चुका हूं कि कोई फंक्शन जो है आ, कोई फलन है किसी बिंदु पर यदि वो संतत है तो आवश्यक नहीं कि वो उस बिंदु पर अवकलनी हो तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे बच्चों और ऐसा भी हो सकता है कि वो अवकलनी हो दोनों स्थिति हो सकती है लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक फलन जो किसी बिंदु पर संतत है तो आवश्यक नहीं कि वो अवकलनी हो। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक अवकलनी फलन जो है वो उस बिंदु पर डोमेन उस फंक्शन के डोमेन के किसी बिंदु पर निश्चित रूप से संतत होगा यानी कुल मिला के अवकलनी फलन संतत होगा ही लेकिन प्रत्येक संतत फलन आवश्यक नहीं कि वो अवकलनीय हो तो अवकलन आपने बहुत अच्छे से थ्योरी में समझ लिया आपने ये भी समझ लिया कि किसी फंक्शन का यदि ग्राफ में बिना पेन उठाए खींच सकता हूँ तो वो फंक्शन उन बिंदुओं पर डोमेन के उस फंक्शन के डोमेन प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि बच्चों ग्राफ में कि जैसे मापांग फलन है आ, मापांग फलन का ग्राफ हम बड़े आसानी से खींच सकते हैं इसलिए एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान पर ये फंक्शन मॉडल मापांग फलन जो है वो संतत है लेकिन जब मा मापांग फलन के ग्राफ में आपने देखा होगा कि उसका जो कोना है कोना बनने पर उस बिंदु पर वो फलन संतत तो है लेकिन अवकलनी नहीं है यानी ग्राफ को देखकर हम डायरेक्ट कैसे ये पता लगा लेंगे कि वो फंक्शन जो है डोमेन के किसी बिंदु पर अवकलनी नहीं है यदि ग्राफ में कोना बन रहा होगा जैसे मापांग फलन में आपने देखा कि एक्स बराबर जीरो पर कोना बनता है तो ये केवल ग्राफ को देख कर हम इतने बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बच सकते हैं बच्चों तो ग्राफ पर जरूर आप गौर करिएगा कि यदि किसी ग्राफ का किसी बिंदु पर कोना बनता है नोक बनती है तो उस बिंदु पर निश्चित रूप से वो फलन अवकलनी नहीं होगा आ, जैसे मापांक मॉड साइनेक्स की बात करें तो मॉड साइनेक्स में भी आ, एक्स बराबर पाई पर एक्स बराबर जीरो पर वो फलन संतत तो है लेकिन अवकलनी नहीं है मॉड ऑफ साइनेक्स की बात कर रहा हूँ मॉड ऑफ कॉशेक्स भी की भी बात हम करेंगे तो यदि वहाँ पर कोना बन रहा होगा तो हम ग्राफ को देखकर कर ये पहचान सकते हैं कि उस बिंदु पर वो फलन संतत तो है लेकिन अवकलनीय होगा तो बच्चों हमने इस पर आधारित अवकलनीयता पर डिफ्रेंसिटी पर बहुत सारे प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के कंसेप्ट पर भी इम्पॉर्टेंट है तो आ, प्रस्तुत है आपके सामने ए, पहला प्रश्न आ, प्रश्न नंबर एक है आ, सिद्ध कीजिए कि की फलन फंक्शन एफ एक्स बराबर मोडेक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर संतत कंटिन्यूस तो है परंतु इसी बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनी नहीं है तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका ग्राफ का खींचेंगे माप, मापांग फलन का तो x बाबा जीरो पर एक नोक बनती है तो उस नोक वाला बिंदु कौन सा है बच्चों? x बराबर जीरो तो उस पर अवकलनी नहीं है इस पर आधारित ये प्रश्न नंबर एक है जिसको हम हल करके देखेंगे बच्चों कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो फलन जो है उसके डोमेन के किन्हीं बिंदुओं पर वो संतत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो आ, उन उन बिंदुओं पर जिस पर वो संतत है वो अवकलनी होगा कि नहीं अवकलनी हो भी सकता है अवकलनी नहीं भी हो सकता है जैसे एक प्रश्न आ, मैं आपके सामने रखूंगा कि एक मापांग फलन है मापांग फलन जो है एक्स के डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर स, आ, संतत है एक्स बराबर जीरो पर भी संतत है लेकिन यही मापांग फलन मॉड फंक्शन जो है वो एक्स बराबर जीरो पर अवकलनी नहीं होगा तो बच्चों बोर्ड पर अपन आप ध्यान दें कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मापांग फलन है अभी जैसे मैंने बताया कि ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू हम इसको रियल नंबर कहते हैं और आ, प्रश्न ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक में कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आर में से कोई एक बिंदु चुन लिया उसने एक्स बराबर जीरो पर संतत है संतत है ये प्रश्न कह रहा है तो हम पहले संतत चेक करेंगे और परंतु परंतु वह x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है अवकलनीय नहीं है ये हमें सिद्ध करना है ठीक है बच्चों तो पहले हम संतत यानी कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे इस मा फलन की बिंदु x बराबर जीरो पर तो जैसे आपको मालूम है कि यदि मैं इस फंक्शन का ग्राफ खींचता हूँ तो आप इस ग्राफ पर भी ध्यान दें कि ये एक्स एक्सिस है ये एक्स डैश है इधर निगेटिव नंबर होते हैं ये वाई एक्सिस है वाई डैश इधर निगेटिव है ये ओ बिंदु है जहाँ एक्स बराबर जीरो है तो x के पॉजिटिव वैल्यू पर ये एक रेखा y बराबर x आ, रेखा हमने खींची और यदि x की निगेटिव वैल्यू पर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर माइनस एक्स हमें एक ग्राफ मिलेगा कुल मिला के ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री पर है पैंतालीस डिग्री पर है यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यह फोर्टी फाइव डिग्री पर है आ, एक्स के यहाँ पर से यहाँ पर एक्स के पॉजिटिव वैल्यू ली गई है और यहाँ पर एक्स की निगेटिव वैल्यू ली गई है इसलिए मापांग फलन ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसलिए वाई बराबर माइनस एक्स लिखा जाता है अब प्रश्न ये कह रहा है कि आ, हम एक्स बराबर जीरो पर इस फंक्शन एक जो फंक्शन है हमारे पास सामने वो एक की संततता की जांच करेंगे हम तो x बराबर जीरो पर फलन जो फलन हमको दिया है फलन एफ एक्स बराबर मॉडेक्स की हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे तो आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि आ, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लेकिन नेगेटिव नंबर से यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिटी से हम ज़ीरो की तरफ अग्रसर होंगे तब मापांग फलन की जो डेफिनेशन है आपको मालूम है कि मोड एक्स एक फंक्शन है वो एक्स होता है कब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो वो जीरो होता है कब जब एक्स बराबर जीरो हो वो माइनस uh, एक्स होता है कब जब एक्स लेस देन जीरो हो तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता है इस मापांग फलन को पहचानने की आवश्यकता है कि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं मतलब एक्स के निगेटिव नंबर से माइनस टू से माइनस वन से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस का मतलब ये है तो इसमें कोई शक नहीं कि जब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस का साइन लगाया है यानी जीरो से कम माइनस पॉइंट वन भी जीरो से कम संख्या है पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो 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 वन भी आ, आ, जीरो से कम संख्या है तो उस वैल्यू के लिए आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं यहाँ पर ये मॉडेक्स यानी एफ की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो यहाँ हमें माइनस एफ एक्स के जगह माइनस एक्स लेना पड़ेगा अब आपको मालूम है कि लिमिट को सिम्प्लीफाई करने के लिए मानते हैं हम माना एक्स बराबर हमने जीरो माइनस एच मान लिया और चूंकि आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है तो इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस होना चाहिए यानी चेंज ऑफ लिमिट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं तो हम जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको बच्चों दिख रहा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस हमें लिखना पड़ेगा और माइनस मैंने एक्स के जगह जीरो माइनस एच माना है और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ कि जीरो से ज़्यादा संख्या से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं यहाँ नो डाउट कि एच की वैल्यू जी जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तभी ये एक्स नेगेटिव नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर से वो जीरो की तरफ अग्रसर होगा हालांकि एच टेंडिंग टू तो जीरो प्लस का मतलब एच ट जीरो की तरफ अग्रसर है तो ये माइनस माइनस प्लस एच हो गया अब इस लिमिट को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे ज़ीरो मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट आ, एक्स बराबर जीरो पर किसकी मॉड फंक्शन की वो आ, क्या मिल गई जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ, हमें कुल मिला के जीरो मिल गई ये हम हमारा समीकरण नंबर दो है अब हम इसी बिंदु पर एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडेक्स की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों तो राइट हैंड लिमिट कैसे हो निकालेंगे लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू जीरो के ऊपर प्लस साइन लग देंगे लिख देंगे और एफ एक्स फिर आपको ग्राफ पर गौर करना पड़ेगा इसका मतलब समझना पड़ेगा तो एक्स स्टैंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब यह है कि हम पॉजिटिव नंबर से वन से टू से पॉइंट फाइव से पॉजिटिव नंबर से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं यानी एक्स की वैल्यू धनात्मक है एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की जो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है इस हिसाब से आ, आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट होते दिख रही है इसमें एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है इसलिए हम फंक्शन के डेफिनेशन पर गौर कर रहे हैं और वो फंक्शन होगा इस केस में एक्स जैसे कि पहले आपने देखा कि एक्स की एक्स की वैल्यू जीरो से कम मान के चलेंगे मान नेगेटिव वैल्यू से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो होगी वह इस केस में माइनस केस में माइनस एक्स है क्योंकि लेस देन जीरो है और प्लस जी एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस केस में एक्स उसका मान है अब चेंज ऑफ लिमिट सिंप्लीफाई करने के लिए हम आ, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं आपको मालूम है कि हम मानते हैं ये एक्चुअल में लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए है बच्चों एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस के समय हम एक्स बराबर ज़ीरो प्लस एच लेंगे नो no डाउट कि एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ा सा बहुत कम लगभग जीरो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा तो चूंकि लिमिट एक्च टेंडिंग टू जीरो प्लस के कहा गया है तो हमें नो डाउट की लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस अभी भी लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में भी एच टेंडिंग टू जीरो प्लस था तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं तब पर भी हम देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस है और इसके जगह हम जीरो प्लस एच लिख देंगे ये चेंज ऑफ लिमिट लिमिट को सिम्पलीफाई करने के लिए ये काम किया गया है तो बच्चों स्पष्ट आपको दिख रहा है कि जब मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूँगा तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो प्लस दिख रहा है आपको जीरो प्लस एच एच होगा तो इसकी लिमिट आपको जीरो दिख रही है यानी इस प्रकार से हम देख रहे है कि हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है उसकी आ, वो है जीरो ये समीकरण नंबर तीन है तो इस फंक्शन एक की एक्स बराबर जीरो पर हमने संततता की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जो समीकरण नंबर दो में है आपको जीरो दिख रही है और इसी बिंदु एक्स बराबर जीरो पर हम इसी फंक्शन एक की राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं उसकी भी वैल्यू जीरो है समीकरण नंबर तीन दिख रहा है और तीसरा काम हम और करके देखेंगे कि x बराबर जीरो पर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का मान का मान ये कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे शो करेंगे हम आ, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो का मतलब कि मॉड ऑफ जीरो और फंक्शन में देख रहे हैं आप फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स बराबर जीरो रहेगा तो मापांग फलन की वैल्यू भी जीरो है तो इसकी वैल्यू भी हमको जीरो मिली तो इस तरह से हमको ये आ, मिल गया कि एफ ऑफ जीरो एक्स बराबर जीरो पर मॉड एक्स फंक्शन का जो मान है एफ ऑफ जीरो कहते हैं उसको ये एफ बाहर लिखकर ब्रैकेट में जीरो उसकी वैल्यू हमको जीरो मिल रही है ये समीकरण नंबर चार है तो समीकरण नंबर दो समीकरण नंबर तीन समीकरण नंबर चार में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समीकरण नंबर तीन में और फंक्शन की का मान ये तीनों मान समान हैं तो हम कहेंगे यहाँ स्पष्ट रूप से कि मापांग फलन मॉडेक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है तो बच्चों संततता की जांच करने के लिए आप जिस तरह का प्रोसेस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर देख रहे हैं कि फंक्शन की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जीरो मिली राइट हैंड लिमिट निकाली समीकरण नंबर तीन में जीरो मिली फंक्शन का मान मिला जीरो मिला ये तीनों मान आपस में बराबर है तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मापांग फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है तो बच्चों आपने देखा कि अभी जो फंक्शन एफ एक्स है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक मापांग फलन है और उसके ग्राफ पर भी आपने गौर किया कि उसका जो ग्राफ है आ, वो इस प्रकार से है एक्स के पॉजिटिव वैल्यू में आ, वो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वाई बराबर एक्स एक रेखा है और ये वाई एक्स आपने देखा था और नेगेटिव uh, एक्स की वैल्यू होने पर वाई बराबर ये माइनस एक्स था कुल मिला के ये मापांग फलन का ग्राफ था ये एक्स एक्सीज है यहाँ एक्स की नेगेटिव वैल्यू है एक्स डैस है ये वाई है ये वाई डैस है वाई की नेगेटिव वैल्यू है ये ओ मूल बिंदु है यहाँ एक्स बराबर जीरो है इस बिंदु पर जो मैं डार्क uh, करके बता रहा हूँ ये एक्स बराबर जीरो बिंदु पर आपने ये जांच करके देख लिया कि आ, एक्स बराबर ज़ीरो पर आ, 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 जो फंक्शन एक है आ, फलन फलन एफ एक्स बराबर मॉडिक्स जो है वो आ, संतत है कंटिन्यूस है ये आपने जांच करके देख लिया एक्स बराबर जीरो यानी बिंदु ओ पर मूल बिंदु पर एक्स बराबर जीरो बिंदु पर आपने संतत कंटिन्यूटी की जांच कर ली कि मापांग फलन संतत है अब हम ये चेक करके देखते हैं कि इसी बिंदु एक्स बराबर जीरो पर फलन कौन सा फलन जो समीकरण नंबर एक में दिया है वही फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के अवकलनीयता की डिफ्रेंसिबिलिटी की अवकलनीयता डिफ्रेंसिबिलिटी की जांच करेंगे कि क्या वाकई में यह अवकलनीय है कि नहीं है तो आपको पता है कि x बराबर जीरो पर आ, जो फंक्शन एक है एफ एक्स बराबर मॉडक्स का हम राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी निकालेंगे जैसे हमने आर एच एल लिखा था राइट हैंड लिमिट तो ये राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी इसका कोड है तो यहाँ पर इसका कोड को हम आ, एब डैस आर सामने लिख देते हैं तो राइट right हैंड ऐसा कोड है इसको आर डी बोलते हैं मैथमेटिकल कोड ये है और उसकी डेफिनेशन नो डाउट की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस हम पॉजिटिव नंबर से एक्स बराबर प्लस इनफिनिटी से जीरो की तरफ अग्रसर होंगे आ, और डिफ्रेंशबिलिटी की परिभाषा है एफ एक्स माइनस इस बिंदु जीरो पर एक्स बराबर जीरो पर बात की जा रही है तो एफ ऑफ जीरो और नीचे एक्स माइनस जीरो ये डिफरेंशियल कोफिशेंट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो का कोड है जिसको हम राइट right हैंड कह रहे हैं तो बड़ा कठिन काम नहीं है बच्चों हम प्लस uh, नंबर uh, से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उसकी अवकलनीयता की जांच करके देख रहे हैं और uh, अभी अभी मैंने बताया कि जो फंक्शन है मापांग फंक्शन की जो डेफिनेशन है uh, वो uh, एक्स भी है एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है जीरो है जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो है और माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन ज़ीरो है तो एक्स की के ऊपर प्लस साइन है मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से कुछ ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है तो मॉडिक्स की वैल्यू हमें नो डाउट कि एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर तो जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आर एफ डैस सिंप्लीफाइड हो के हमको मिल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और एफ एक्स के जगह हम आ, एक्स लिखेंगे माइनस एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जीरो से कुछ ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू से वो जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है इसका मतलब ये है और एफ ऑफ जीरो तो ऑलरेडी पहले भी देखे थे आप समीकरण नंबर चार में एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है तो जीरो हम लिख दें और अपॉन एक्स लिख दें तो हमें यहां पर कुल मिला के ये पता लग रहा है बच्चों की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स तो ये कैलकुलेशन करने पर भाग देने पर एक आएगा तो हमें यह सिंप्लीफिकेशन आगे दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का राइट हैंड डिफ्रेंसीबिलिटी बाई और की दाहिने और की अवकलियता तो आर एफ डैस जीरो इज इक्वल टू हमें लिमिट दिख रहा है एक्स टेंडिंग टू जी जीरो प्लस दिख रहा है जिसका मतलब जीरो ही है हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव नंबर से तो वन तो इसकी लिमिट हमें आ, मिल गई वन तो कुल मिला के हमें राइट हैंड डिफ्रेंसिबिटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो किस फंक्शन की फंक्शन एक की राइट हैंड लिमिट हम राइट हैंड डिफ्रेंसिबिटी का मान मिला हमको एक ये समीकरण नंबर आप इसको दो बोल सकते हो अब आप ध्यान दीजिए कि एक्स बराबर जीरो पर आ, हम आ, एफ एक्स जो फंक्शन है इसी फंक्शन का जिस पर संततता की जांच हम कर चुके हैं आ, बराबर मॉड एक्स आ, का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जिसका कोड मैंने आपको बताया एल एफ डैस जीरो तो नो no डाउट कि एल लेफ्ट हैंड से यानी निगेटिव नंबर से हम आ, जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो इसका कैस किस प्रकार से लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू जीरो के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ आप जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो ये अवकलनेता की डेफिनेशन है डिफरेंशियल कॉफिशन की की परिभाषा है तो बच्चों इसमें कोई शक नहीं कि हमें ये दिख रहा है कि इसको यदि मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो एल एफ डैस जीरो इज इक्वल टू हमें निगेटिव नंबर से हम जब आ रहे हैं तो फंक्शन मापांग फलन की जो आ, वैल्यू है वो माइनस एक्स है तो लिमिट इस केस में लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू तो जीरो के ऊपर माइनस के केस में हमें माइनस एक्स लेना पड़ेगा और एफ ऑफ जीरो फंक्शन का मान एक्स बराबर जीरो पर जीरो है और एक्स माइनस जीरो तो एक्स ही आएगा तो बच्चों आपको बात स्पष्ट ही हो रही होगी कि इसका मतलब मैं दो प्रकार की बातें कर रहा हूँ एक तो एक्स को नेगेटिव जैसा बिहेव करते हुए बोल रहा हूँ और दूसरा इसका एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ जो आप ध्यान से आप सुन लीजिए एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस का मतलब है कि हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इनिशियल वैल्यू नेगेटिव है लेकिन जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इसकी वैल्यू जीरो ही है लेकिन हम एक्स की इनिशियल वैल्यू नेगेटिव से लेकर हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो x की वैल्यू निगेटिव होने के कारण ही x लेस देन जीरो हुआ था जिसके कारण हम इसको माइनस एक्स लिख रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एल एपडेस ऑफ जीरो हमें लिमिट उसी प्रकार की हम इसी की नकल करेंगे जीरो के ऊपर माइनस और ये माइनस एक्स अपॉन एक्स हमें मिल रहा है एक्स का एक्स से भाग देंगे तो वन आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एस टिंग टू जीरो के ऊपर माइनस माइनस वन तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें माइनस वन मिल रहा है यानी कुल मिला के हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि एल एफ डैस ज़ीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स बराबर जीरो पर uh, uh, उसके बाई और की अवकलनीयता अवकल गुणांग का मान एक आ रहा है इसको हम समीकरण नंबर तीन कह दें तो हम समीकरण नंबर दो और तीन से स्पष्ट देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कॉफिशेंट राइट हैंड वो वन है आप समीकरण नंबर दो में देखिए और समीकरण नंबर तीन में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसी बिंदु पर एक्स बीरो पर माइनस वन देख रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट right है आर डी इज नॉट इक्वल टू एल डी क्यों क्योंकि वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो इससे स्पष्ट है कि एक्स बराबर जीरो पर जो दिया गया फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अवकलनीय नहीं है अवकलनीय नहीं है तो बच्चों आपको इस प्रश्न को बड़ा आ, करने में बड़ा मजा आया होगा आपको समझ में आया होगा कि इस फंक्शन का आ, जब हम ग्राफ खींच रहे थे तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा और एक्स बराबर जीरो पर मैं पहुंचा फिर पेन नहीं उठाना पड़ा तो पेन नहीं उठाने के कारण ये एक्स के प्रत्येक बिंदु पर एक्स के डोमेन के प्रत्येक वैल्यू पर मापांक फलन संतत है कंटिन्यूस है लेकिन प्रश्न में एक्स बराबर जीरो पर कहा गया है तो एक्स बराबर जीरो पर मैंने संततता की जांच की तो संततता तो है जो पहले पार्ट में आपने देखा लेकिन यहाँ एक्स बराबर जीरो पर हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं है और ग्राफ से यदि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आ, के तरफ आपको ले जाऊं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन एक्स बराबर जीरो पर अवकलनी नहीं है तो बच्चों में यहाँ यह कहूँगा कि किसी फंक्शन के ग्राफ खींचने पर यदि आपको कोना दिखता है ये देखिए एक्स बराबर जीरो पर आ, मार्ट फंक्शन का ग्राफ है ये यह, यहाँ नोक दिख रही है एक्स की वैल्यू अचानक चेंज होती है एक्स बराबर जीरो से यहाँ पॉजिटिव चला उसका नेगेटिव हो गया अचानक सडनली चेंज होने से उस बिंदु पर फंक्शन अवकलनी नहीं, नहीं होगा ये पहचान है बिना सॉल्व किए ग्राफ से कोना बन रहा है उस कोने वाले बिंदु पर फंक्शन संतत तो होगा लेकिन अवकलनी नहीं, नहीं होगा कोने पर आप ध्यान दीजिएगा तो बच्चों आपको मैंने दो प्रकार से बात बताई कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप ग्राफ को खींचकर ग्राफ को देखकर कर आ, कोना यदि बनता है तो अवकलनी नहीं है लेकिन यदि पेन उठाकर हमें न खींचना पड़े ग्राफ और फ्रीली हम खींच लें और खींच सक रहे हैं देख रहे हैं आप मेरा पेन चलते हुए देखें यदि मैं नेगेटिव से इधर पॉजिटिव तरफ आऊँ जीरो पर आऊँ कि पेन मुझे उठाने नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं कहूँगा कि ये फंक्शन संतत है प्रत्येक बिंदु पर x बराबर जीरो पर तो हो गई और x बराबर जीरो पर कोना बन रहा है इसलिए वह अवकलनी नहीं है ये इसकी पहचान है बच्चों